खबर राजगढ़ चुरू से है, जहां आज राजस्थान की एकमात्र महिला बॉडी बिल्डर व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का नाम रोशन करने वाली श्रीमती प्रिया सिंह का आज राजगढ़ की पवन धरा पर जोरदार स्वागत कर लिलकी ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि भाई नरसे मिठड़ी व सोनिया मिठड़ी व सर्व समाज के लोगों ने करेटा गाड़ी भेंट कर मान सम्मान किया। इस दौरान प्रिया सिंह ने मीडिया से विशेष बातचीत की और बताया कि राजगढ़ की जनता का जो प्यार मिला है वो मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है जो कभी भुलाया नहीं जा सकता है। स्वागत करेंगे हमारी क्या है, भारत ने दिखाया है दुश्मन के और आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने इतना प्यार और रिस्पेक्ट दिए। कहते हैं ना, कतरा कतरा से एक तालाब भर जाता है। कोशिश मैंने की, साकार तुम लोगों ने कर दिया। कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ पे रहूंगी और आप लोग मुझे इतना प्यार और सपोर्ट दोगे। मुझे आज खुद पे गर्व हो रहा है कि मैं राजस्थान की बेटी हूँ, मैं आप लोगों की बहन हूँ और मैं भारत की बेटी हूँ और मैं राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर हूँ। नरसी भाई का, सोनिया भाभी जी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है। वीर माधव भाई, अनिल जी, कहते हैं कि राजस्थान की पहली बॉडी राजस्थान से है और उसके राजपुर से मीडिया तरह आपका बहुत बहुत स्वागत भी करते हैं। सर, आपसे मेरे आपसे सवाल है कि आप बॉडी बिल्डर कैसे बनी, आपके पीछे देश का जो आपकी सफलता के पीछे किसका मार्गदर्शन रहा? बॉडी बिल्डर तो मैं इसलिए बनी कि मेरा उतना फिट नहीं था, मैं ट्रेनर थी, स्पोर्ट का शुरू से ही मुझे बहुत शौक था और मैं बॉडी बिल्डिंग के कॉम्पिटिशन देखा तो राजस्थान से कोई लड़की भी नहीं थी और मेरी स्टडी भी इतनी अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से मुझे कोई अच्छी जॉब मिले, तो सबने बोला कि तू इसमें बेस्ट कर सकती है, तो मैंने बस बॉडी बिल्डिंग में ट्राई किया और आज मैं यहाँ तक पहुँचा और मेरे कोच है, जिम मैनेजर है, मेरी बेटी है, मेरे भाई है, मेरे पापा है, मैं अपना कम्युनिटी सबको देखता हूँ। अच्छा, मैंने सुना है कि आपकी शादी बचपन में हो गई और आप जैसे परिवार से आती हो और इस मुकाम तक पहुंची हो तो काफ़ी समस्या। देखो, मैं गरीब घर की सुन, मेरे पापा ड्राइवर थे, हम 5 भाई थे और 12 का तो